वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में, जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होने वाला है, उसमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये मॉक टेस्ट नंबर पहला है। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो UPSC ने अपर PCS और लोअर PCS और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे हुए। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप चेक करते चलिए अपने आंसर्स आप कितने सही कर पाते हैं। इस चैनल पर नए हो और BU की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जो टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहला सवाल लेते हैं, जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन कब रोक देना चाहिए, यानी मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हो और आपको ये पता नहीं कि कितना हमें खाना खाना है, कितना कंट्रोल अपने ऊपर करना है, तो ये एक बीमारी है, तो इस बीमारी का नाम आपको बताना है। इसका आंसर होगा बुलीमिया नर्वोसा, या सिंपली कहते हैं बुलीमिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, US ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन 2019 वुमेन्स सिंगल का टाइटल किसको मिला है? ये है बियांका एंड्रीस्कू को मिला है। एंड नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। इसके साथ 3 से 4 क्वेश्चंस और हैं जो इसी के जैसे आते हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में फानफोन नामक तूफान किस देश में आया है? देखिए, फानफोन जो फिलीपींस में तूफान आते हैं उसका नाम क्या है? फानफोन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो 1924 में बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने की थी। तो इससे जुड़े हुए और फैक्ट भी हैं आपके लिए इसी क्वेश्चन से, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर क्वेश्चन पूछता है, तो ये AO ह्यूम द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, AO ह्यूम इन्होंने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन ही हुआ था 1885 में, जगह का नाम पूछता है मुंबई में हुआ था, अध्यक्ष पूछता है कौन थे, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने। और 1924 में बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार एक ही अधिवेशन किया था जिसकी अध्यक्ष ये रहे थे या अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सिविलाइजेशन में या हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? बताइए, लोथल वाला जो एरिया था, ये लोथल जो साइट थी वो किसके द्वारा खोजी गई? तो ये कौन थे? SR राव। ये बात है कब की? 1957 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? या कनिष्क प्रथम के शासनकाल में, कनिष्क प्रथम के समकालीन इनमें से कौन सा आयुर्वेद विद्वान रहा था? तो ये जानते हैं आप, ये हैं कौन? चरक। हिस्ट्री के कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो चरक जो है कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन था? कनिष्क प्रथम, और इसी के दरबार में रहा करते थे, तो इसके समकालीन थे। इन्होंने किताब भी लिखी, इसका नाम है चरक संहिता। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन गैस? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, और ये O2 जो है ऑक्सीजन, क्या है ये? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी ऑप्शन। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था, किस जिले में लागू किया गया था? तो आप जानते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जिसमें सबसे पहले पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और इसके साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं कि पंचायती राज को 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1959 में नागौर जिले राजस्थान में या राजस्थान के द्वारा इसको अपनाया गया था। और अगर पूछे आपसे कि राजस्थान के बाद भारत का कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज को अपनाया, तो आंध्र प्रदेश सेकेंड राज्य है वो, और पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ये इसको क्या किया गया था? कानून बना दिया गया था। तो ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पॉलिटी के कोर्स में, तो पॉलिटी के कोर्स का लिंक का डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप कोर्स वाइज ही पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस आपको आए हुए मिलेंगे, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो आर्टिकल 63 बताता है क्या? इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन,
ये देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, ऑप्शन सी। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अंडर विच शेड्यूल जाता है ये? बी ऑप्शन, 5वीं शेड्यूल। ये मैंने करवाई है अनुसूची, अभी आपको करवाई है, और ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको। भारतीय संविधान का भाग 2 भाग 2 किससे संबंधित है? तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद, ये किससे है? नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारत के नागरिकों के लिए, वो भाग 2 में है। और इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 5 से 11 तक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है ये? रोहतांग पास लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हिमाचल के अंदर है, ए ऑप्शन। अगला देखिए, ये है कौन सा जल का है? अंडमान, अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, कौन सा चैनल है यहाँ, ठीक है, इसको चैनल बोलेंगे। तो विच वाटर बॉडी डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो ये 10 डिग्री का चैनल है जो डिवाइड करता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट वन देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे थे, हमने कल ही डिस्कस किया था। तो अंग्रेज़ों ने 1859 में इनको फांसी दी थी, कहाँ पर दी थी ये फांसी? इनको शिवपुरी में दी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? हाउ लॉन्ग वॉज दी बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र मेंशनड इन दी महाभारत? तो ये 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? लेदर सिटी, लेदर सिटी ऑफ यूपी कौन सी है? तो ये है कानपुर को लेदर सिटी कहा जाता है। और अगर पीतल नगरी पूछे, भारत में पीतल नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो वो मुरादाबाद है, वो क्वेश्चन भी बनता है आपसे कभी कभी। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, बाबर के नाम पर ये मस्जिद है, तो ये बाबर ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, मीर बाकी ने करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था? हु वाज दी हेड ऑफ मुगल आर्मी? जो मुगल आर्मी का जो प्रमुख होता था, वो मीर बख्शी कहलाता था। अगला है डायनोमो, डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनोमो इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या करती है भाई ये? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये जो है कन्वर्ट कर देती है। डायनोमो या जनरेटर एक ही बात होती है, यांत्रिक ऊर्जा को, जो मैकेनिकल पावर है, उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है। मिर्च, मिर्च आपने खाई होगी, मिर्च में जो तीखा स्वाद होता है, वो तीखापन जो होता है किसके कारण होती है? जो उसकी तीक्ष्णता है। तो ये होती है आपकी कैप्सासाइन, कैप्साइसिन में होती है, सॉरी कैप्साइसिन में, सी बी ऑप्शन। प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपसे। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर कौन से होते हैं? सोलर सेल्स को ही क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल, जो क्या करता है? सोलर एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। आइंस्टीन नोबल प्राइज़ विनर रहे हैं आइंस्टीन। तो आइंस्टीन को ये नोबल प्राइज़ किस की खोज के लिए दिया गया था? देखिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए वर्ष 1921 में इन्हें क्या मिला था? नोबल प्राइज मिला था। तो आंसर इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये इनको दिया गया था। एंड अगला सवाल, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज फ्रॉम द बायोगैस प्लांट्स? तो ये है मीथेन आपकी, आंसर हो जाएगा सी इसका। खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है, खाद्य श्रृंखला में मानव, देखिए हमने एक EVS का कोर्स है अपना, आपने देखा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कोर्स, ऑलरेडी इसमें 20 लेक्चर्स ऐड हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो खाद्य श्रृंखला इन फूड चेन अमेनिज़ एक क्या होता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव जो है, ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों में ही शामिल किया जाता है इसको, इसको याद रखेंगे आप। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीज़न फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब होता है कि किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर अगर अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी। तो ये कहाँ मिलेगी ज़्यादा? ये तो पानी के अंदर मिलेगी, महासागरों में, या फिर जंगलों में मिलेगी, घने जंगलों में, ठीक है। तो अगर जंगलों को ही काट दिया जाएगा, तो ये नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है
निवास स्थान, जीव जंतुओं के निवास स्थान को हैबिटेट बोलते हैं हम, ठीक है। अगर इन हैबिटेट यानी इनके निवास स्थान यानी अगर जंगलों को ही काट दिया जाएगा, तो इनके प्राकृतिक आवासों को ही विनाश कर दिया जाएगा, तो ये जानवर जो है अपना सर्वाइवल वहाँ बचाव नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश के का जो है इनका मुख्य कारण है बायोडाइवर्सिटी कम होने का मतलब। बायोडाइवर्सिटी कम होने का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर जो है जीव जंतुओं की पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, घट रही है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपको बताना है इनमें से कौन सा है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका आंसर देखिए, जो धान का खेत होता है, ठीक है, ये वन, घास का मैदान और झील, ये सब नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल इनमें से क्या है, धान का खेत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मॉक टेस्ट था, इसमें हम लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट कवर किए हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिए हैं, साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, यूपी जीके के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, मिक्सअप करने की कोशिश की गई है, और आपका मैथ्स और रीजनिंग बचा है उसको हम सेपरेट चलाया करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट में। अभी मॉक टेस्ट कैसा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से। थैंक यू सो मच।